हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं शून्य से शिखर तक। ये मैथमेटिक्स का आपका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो बच्चों आ जाता है सुबह 5 बजे पीवीआर स्टडी इलाहाबाद चैनल पर। आप सभी जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन करके रखें। पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था एडिशन ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि चर पदों का जोड़ना। आज की क्लास में हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स, यानी जो लाइक टर्म्स के वो होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, वेरिएबल्स, उनको कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब बीजगणितीय व्यंजकों का घटाना कैसे किया जाता है या फिर बीजगणितीय पदों का घटाना कैसे किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे अगर आपको 3x से x सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल भरा ये वर्ड लगता होगा, ऐसे आपको फील होता है ना। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि बच्चा 4 में से 2 घटाओ तो आप बड़ा प्यार से 2 लिख दोगे। हाँ, अगर आपको मैंने कहा कि 9 में से आप 5 घटाओ तो आप कहोगे 4 आएगा, ये आप कर लोगे। लेकिन ये x y हो जाने से थोड़ा बहुत आपको परेशानी होती है ना। ये बहुत ईजी है, जैसे ये आसान है वैसे ये भी आसान है, उतना ही आसान है, बस आप सीख जाओ तब। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखा तो देखो, डिस्क्रिप्शन में हो सकता है लिंक मिल जाए, या फिर आप कमेंट कर दो आपको मिल जाएगा। एंड स्क्रीन में पूरा क्लास इसको देखोगे, लास्ट में मिल जाएगा, उस पर टच करके देख लेना। हाँ, अब देखो, हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया है कि हमेशा क्या करते हैं, वेरिएबल से वेरिएबल्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें वेरिएबल 3 है, इसमें क्या है 1 है, तो यार 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा, और साथ में x लगा है चर पद तो x हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 5 और ये 3, हाँ 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा। हाँ, 5 में से 3 गया 2, और बच्चा ये x लगा था तो x, दोनों का उत्तर संयोग बस एक ही आ रहा, वैसे ही आ रहा, उतना ही आ रहा ना, तो इसको नोट कर लो फटाफट, ये हो गया आपका। हाँ, इसके बाद अगर इधर बात करें, देखो ये भी क्या है, एक प्रकार से चर जो है वो एक समान है, मतलब सजातीय पद हैं, इनको भी आप आराम से घटा सकते हो। इनको अगर देखो तो इनको भी आप प्यार से क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसके बाद अभी हम बात करेंगे इसके आगे, जब चर पद समान ना हो तब क्या करेंगे। हाँ देखो, इसमें अगर आप देखो तो इसमें जो गुणांक है x का 1 है, 1 है ना, तो 9 से जब 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आएगा, आप जानते हो 8 आएगा, तो 8 लिख दो, और x स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। इस तरह से 8x का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हाँ आगे चले, अब देखो 18x स्क्वायर y माइनस 3x स्क्वायर y, इसको क्या करोगे, देखो 18 में से 3 घटाना बच्चा तो क्या आएगा, ये 15 आएगा, और x स्क्वायर y है तो x स्क्वायर y है ना, कितना आसान कर लोगे ना। अब आप कुछ क्वेश्चन लिखो जिनको आप खुद से करना, और फिर हमें कमेंट करके बताना कि हाँ सर जी हमें आने लगा है और हम सीख गए हैं, तो हम जानेंगे कि हाँ बच्चा आप बहुत अच्छे हो, एकदम सुंदर से हो, प्यारे से हो। चलो देखो, अगर नहीं करोगे तो हम बोलेंगे बहुत नालायक हो, तो भाई लायक बनो, नालायक नहीं। देखो ये है 3 धन ही लगा लो एक्स स्क्वायर वाई माइनस, यहाँ पर अगर हम लिख दें क्या एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या करोगे सोचो। और अगला देखो, अगर ये है 19x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बहुत आसान है यार, जैसे आप अभी तक पढ़ते आओ वही सब है, बाकी कुछ नहीं इसमें। अब आप इसको घटा लोगे आराम से, प्यार से कर लोगे, है ना, सब्ट्रैक्शन कर लोगे। क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं इसलिए हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है। हाँ, और दें थोड़ा सा होमवर्क घर से करना, कर लोगे ना इसको, तो अब हम इसमें चेंजिंग भी करेंगे, टेंशन मत लो आप, ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला है। ई एफ हो गया, हाँ इसको आप कर लोगे, सीधा घटा लोगे, तो अगर इसको आप घटा लोगे बच्चा लोग, तो आप थोड़ा उलझे हुए सवाल भी कर लोगे। हाँ जैसे देखो ऐसे है, अगर मान लो ध्यान दो, जैसे मान लो 3x स्क्वायर वाई और धन ब्रेकट में है बच्चा 13x स्क्वायर वाई और ऋण ये 7x स्क्वायर वाई, इनको क्या करोगे आप, कर लोगे कि नहीं, आप कहोगे ये को कोष्टक में काय कर दिया, तो बच्चा इसमें क्या है ना, मैंने थोड़ा सा कुछ और सोचा था, ये माइनस में है। अगर आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा था तो आप कर लोगे बड़े प्यार से, क्योंकि बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसमें है कुछ ना, थोड़ा सा दमदार है इनसे, कर लोगे ना इसको। और इसकी अगर बात करें तो इसको भी आप लिख लो फटाफट, ये है 90 माइनस में लिखो एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस 88 एक्स स्क्वायर वाई और प्लस माइनस 77 एक्स स्क्वायर वाई। हाँ ध्यान दो, इसमें सब में जेड नहीं है तो इसमें भी हम जेड हटा देंगे, नहीं तो फिर ये अलग हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे। हाँ आप कर लोगे ना, हाँ बच्चा यहाँ पे वाई स्क्वायर रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि फिर वो अलग हो जाएगा, अगर उस तरह का दे देंगे फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी वो मैं नहीं बताया हूँ, इसको नोट कर लो फटाफट, इतना समझ में आ रहा ना। तो ये चर पदों का घटाना हो गया, जो कि आप कर लोगे आसान तरीके से,
कर लोगे ना। अब अगर हम इसी में बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, तो आप इधर साइड से सीख लो, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको भी देख लो। जैसे अगर हम बात करें चर पदों का घटाना, जब ये दिए गए जो चर पद हैं वो असमान हो, असमान तो नहीं सही रहेगा, सजातीय नहीं हो, मतलब विजातीय हो, या फिर इन्हें बोलें एक प्रकार से अनलाइक टर्म्स में हो, क्या हो, अनलाइक में हो। जैसे देखो इधर साइड में अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो क्या है बच्चा, ये यहाँ पर अगर इधर साइड आप देखो तो जैसे दो यक्स माइनस का वाई है, तो अब इसको क्या करोगे, अब तक तो यक्स ही यक्स रहता था, इसमें तो वाई भी आ गया, ये नया हो गया, इसका कॉन्सेप्ट नया हो गया, क्योंकि इसमें क्या है वेरिएबल्स जो हैं वो क्या हैं, कई तरह के हैं, दो तरह के हैं, है ना, जी एच आई उसके बाद जे। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ बच्चा, तीन यक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस यक्स वाई और माइनस यक्स स्क्वायर वाई जेड, क्या यक्स स्क्वायर वाई जेड। अब देखो क्या है कहानी, इनको क्या करना, हमें हल करना है, सब ट्रेक करना है, तो यहाँ एक अलग रूल हो जाएगा इन दोनों के लिए, चूँकि इसमें देखो ये कुछ और हैं जो पद हैं, एक्स वाई जेड है, इसमें केवल एक्स वाई है, इसमें एक्स वाई जेड है, ये अलग हो जाएगा, इसको आप देखोगे पार्ट नंबर 22 में, तो इसे ज़रूर देखना। चूँकि छात्रों क्लास का टाइम बहुत कम होता, चूँकि ये आपकी फ्री क्लास यूट्यूब पे होती, समय बहुत कम बचता है, लेकिन हम सोचते हैं कि आपको हम कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते रहें। अगर आप चाहते हैं इन क्लासों को बड़ी बड़ी देखना, मतलब दो दो घंटे तीन तीन घंटे हर दिन पढ़ना चाहते हैं, या फिर एक एक घंटे 45 मिनट की, तो आप हमारी प्रीमियम क्लास ज्वाइन करें, ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपको कुछ शुल्क डिपॉजिट करना होगा नाम मात्र का थोड़ा सा, और आप घर बैठे सीख पाएंगे पूरा कंप्लीट कोर्स, आपको डाउट भी बताया जाएगा, डाउट क्लियर किया जाएगा, पूरा कोर्स मिलेगा, नोट्स बनाओगे, आपकी मैथ की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी, डेमो तो आपने देख ही लिया होगा कैसे है, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना और अपनों का ख्याल रखना, आपसे निवेदन होगा इस वीडियो को खूब शेयर करिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाएंगे तो फिर हम क्लासें यूट्यूब पे ही आपको बड़ी बड़ी देने लगेंगे, एक एक दो दो घंटे की महामैराथन इसी तरह की, लेकिन आप इसे खूब शेयर करो यार, लाइक तो जरूर करना, हाँ अगर कोई शिकायत है तो कमेंट करके बता देना।